पूर्णिया से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल जिले के कालीगंज में अवैध संबंध के कारण एक महिला ने अपने जीजा के साथ मिलकर अपने ही पति का पहले अपहरण करवाया, फिर उसकी निर्मम हत्या करवा दी। परिजनों का कहना है कि कुछ दिनों से मृतक की पत्नी का उसके जीजा के साथ अवैध संबंध चल रहा था, जिसके बाद मृतक मोहम्मद बाबुल का उसके साइकिल दुकान से अपहरण कर लिया गया और बाद में मृतक का शव सड़क किनारे फेंका हुआ मिला। पुलिस ने आरोपी पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। समस्तीपुर जिले के शिवाजी नगर प्रखंड के बल्लीपुर गांव में चार युवतियों ने एक अधेड़ को चाकू मारकर घायल कर दिया। घायल व्यक्ति की पहचान अकलू मंडल के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि घायल पर दबाव बनाया जा रहा था कि वे खेती वाली जमीन को छोड़ दें। इसी मामले में युवतियों ने इस घटना को अंजाम दिया। वहीं घटना के दौरान ग्रामीणों ने चार में से तीन आरोपी को पकड़ लिया। वहीं एक युवती भागने में सफल रही। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंचकर पुलिस ने तीनों लड़कियों को हिरासत में ले लिया। कि चार युवतियों ने मिलकर इस करतूत को अंजाम दिया है। एक अधेड़ को चाकू मारकर घायल कर दिया है। समस्तीपुर की खबर है, जहां एक युवती हालांकि भागने में सफल रही, वहीं तीन युवतियों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया।